जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर यू में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से। एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एप्लीकेशन स्टेटस चेक हो रहा था उसमें बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी कर रहा था मेरे पिछले वीडियो में कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स इसी को देखते हुए बहुत लोग मेल किए थे एसएससी के ऑफिशियल मेल पे, जिसमें बताया गया था कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मुझे क्या करना होगा। तो एसएससी ने एक नोटिस जारी किया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या नोटिस है। और आपको एक मौका है तो आपको उस मौके को छोड़ना नहीं है, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो आप एक बार ज़रूर जो बताया है एसएससी ने वो करिएगा। क्या बताया है और क्या आपको करना होगा अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो ठीक करने के लिए, तो चलिए इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्यों किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी जीडी का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए या नोटिस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउजर के गूगल सर्च बार पर आना होगा, और यहाँ पर आकर आपको सर्च कर लेना होगा ऑल जॉब्स फॉर यू। जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ऑल जॉब्स फॉर यू डॉट कॉम, तो आपको इस पे आना होगा। जैसे आप इस पे आएंगे आप इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे, और मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको व्हाट्स न्यू में देखने को मिल जाएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी एप्लीकेशन स्टेटस 2021, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2021 हॉल टिकट डाउनलोड एप्लीकेशन स्टेटस चेक। अपडेट के बारे में बात करूँ तो आज ही अपडेट निकल के आया हुआ है, तो चलिए और भी जानकारी आपको देता हूँ। नीचे आने के बाद वैकेंसी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और क्लोजिंग डेट इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे एप्लीकेशन स्टेटस 20/10/2021 से चेक हो रहा है, और जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है 16/11/2021 से 15/12/2021 तक आपका एग्जाम चलेगा। नीचे आने के बाद और भी जानकारी आप यहां से चेक कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होगा। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा रीजन नेम, स्टेट नेम और एप्लीकेशन स्टेटस। तो फ्रेंड्स अभी इस सब रीजन का नहीं है, जैसे आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। यहां पे सेंट्रल रीजन का बस केवल चेक हो रहा है, जिसमें यूपी और बिहार आते हैं। अगर आप यूपी बिहार से सेंट्रल रीजन में आते हैं तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा चेक नहीं हो रहा है। बहुत सारे मुझे कमेंट किए थे, इंस्टा पर भी मैसेज किए थे, तो उन लोग क्या किए हैं कि ये सेंट्रल रीजन से फॉर्म अप्लाई किए हैं बिहार या यूपी से हैं, लेकिन जो अपना एग्जाम सीट डाले हैं वो दिल्ली डाल दिए हैं, तो कोई कोलकाता डाल दिया है। तो जब कोलकाता या दिल्ली रीजन का चेक होगा फिर आपका एग्जाम डेट चेक होगा। तो अगर आप यूपी बिहार से हैं और कहीं और दिल्ली रीजन में डाले होंगे या कोलकाता के क्यार, मतलब कहीं किसी भी दूसरे रीजन में से, अगर आप दूसरे रीजन में अगर आप अपना एग्जाम सिटी डाले होंगे तो फ्रेंड्स उस रीजन का एग्जाम स्टेटस जब चेक होगा, एप्लीकेशन स्टेटस चेक होगा, फिर आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक होगा। तो अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं, अगर सेंट्रल रीजन में एग्जाम सिटी एग्जाम सेंटर डाले हैं, एग्जाम सिटी डाले हैं, तो आपका चेक होगा, बाकी आपका चेक नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे और भी रीजन का था मैं अपडेट कर दूंगा यहीं पे, और वीडियो बनाकर इस चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट लिंक एरिया, हाउ टू चेक, कैसे आपको चेक करना होगा यहाँ से देख पाएंगे। और नीचे आएंगे तो सीआर मतलब सेंट्रल रीजन का भी चेक हो रहा है एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, और आसानी से आप यहाँ से चेक भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से अपना नाम और फादर्स नेम यहाँ पर फिल करके, उसके बाद नीचे आपको जस्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे फॉर्म रिजेक्टेड रिजेक्ट नोटिस। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे क्लिक हेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड कर ओपन होगा। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि फेक है, फर्जी नोटिस है। तो इसके ऑफिशियल साइट पाने के लिए आपको आना होगा सेंट्रल रीजन के ऑफिशियल साइट पर। जैसे सेंट्रल रीजन पर आप क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। चलिए मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद ये देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट नोटिस कॉन्स्टेबल जीडी, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और पोस्ट डेट आपको देखने को मिलेगा 22/10/2021, यानी कि कल ही अपडेट कर दिया गया था, मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे आप इस इंपॉर्टेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे कांस्टेबल जीडी का, तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड कर ओपन होगा। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आवश्यक सूचना, और ये आपके लिए बहुत ही बड़ी सूचना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग काफ़ी परेशान थे जब से ये आया हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस चेक हो रहा है, तो बहुत लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है, और मुझे काफ़ी मैसेज भी किया जाता था इंस्टा पे और कमेंट बॉक्स में कि सर मैं क्या करूं। तो आपके लिए एक सलूशन आया, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पे डाउनलोड करेंगे देखने को मिल जाएगा एसएससी कर्मचारी चयन आयोग में से संबंधित सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 के हुए उम्मीदवार जिनका
आवेदन पत्र निम्न कारणों से निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया वो ध्यान से पढ़िएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा ऐसे उम्मीदवार का परीक्षा में बैठने की अनुमति से संबंधित कोई भी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे किसी भी परिस्थिति या किसी भी मतलब कितना भी आप अनुरोध करिएगा या रिक्वेस्ट करिएगा या किसी कोई भी परिस्थिति हो आपका, वो नहीं देखा जाएगा और आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा तो। तो यहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ बताया गया कि ऐसे क्यों फॉर्म रिजेक्ट किया गया। जैसे यहाँ पे बताया गया है, जिन उम्मीदवार ने आवेदन करते समय अपनी फ़ोटो के नीचे तस्वीर लेने की तिथि, मतलब जो फ़ोटो जो आपका इशू हुआ था उसका डेट लिखना था। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप फ़ोटो पे डेट जरूर लिखिएगा वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया जिन्होंने तिथि नहीं अपलोड किया था। और यहाँ पे आगे बताया जा रहा है तो यहाँ पे फ़ोटो लेने की तिथि अपलोड नहीं किया गया है और आगे बताया जा रहा है तस्वीर लेने की तिथि निर्धारित तिथि के अनुसार नहीं है या अन्य तिथि अंकित किया गया है, मतलब आपके फ़ोटो के वजह से यह आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे उम्मीदवार जिनके आवेदन पत्र अधूरा हैं, देखिए ये दो कारण यहाँ पे बताया गया आपको कि एक कारण ये है कि फ़ोटो को लेकर फ़ोटो पर सही डेट नहीं लिखे हैं और जो आपका डेट है 3 मंथ पुराना होगा, या आप फ़ोटो पर डेट नहीं लिखोगे या गलत डेट लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, बहुत लोग तो डेट ऑफ बर्थ ही डाल दिए थे तो ये गलत है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा। और नीचे बताया गया जिनका फॉर्म अधूरा रह गया था, तो मैंने आपको जितने बार मैंने फॉर्म फिल किया था मैंने आपको बताया था कि फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना अप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक करें, वहीं पर अप्लीकेशन स्टेटस भी चेक हो रहा था तो मैंने वीडियो बनाया था। हालाँकि मेरे वीडियो काफ़ी लोग नहीं देखे थे लेकिन मैंने बताया था कि अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लिए एक दिन पहले, फॉर्म का लास्ट डेट से एक दिन पहले बताया था कि जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है किसी कारणवश तो अपना चेक कर लीजिएगा और कोई दिक्कत हो सही कर लीजिएगा। बात यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है, ये जो आपको दो कारण बताया गया ऊपर, इसके अलावा कोई और कारण से निरस्त अगर है आपका फॉर्म तो आप SSC को मेल कर सकते हैं, मतलब कर्मचारी चयन आयोग को आप मेल करके सूचना दे सकते हैं, सूचित कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म सही था क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो आप एक बार मेल जरूर कीजिएगा, यही मैं आपको बता रहा था कि आपके पास एक लास्ट मौका है। जैसे यहाँ पर देखने को मिला, अगर आप इस दो ये दो कारण की वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो आपका कोई और सोल्यूशन नहीं है और आप एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है कोई भी अनुरोध करे या किसी भी परिस्थिति में आपको बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, साफ साफ यहाँ पे SSC ने बता दिया है। अगर इस दो कारणों से रिजेक्ट हुआ है फ़ोटो की वजह से और जिनका फॉर्म फुलफिल नहीं हुआ था, जिनका फॉर्म अधूरा था, बाकी किसी का अगर दूसरे कारण से अगर रिजेक्ट है तो उनका जो फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यहाँ पे, लेकिन उनको एक काम करना होगा, जो उनको मेल करना होगा SSC को मेल करना होगा और मेल में क्या क्या लिखना होगा नीचे देखने को मिल जाएगा आपको। मेल के माध्यम से अपना जानकारी सेंड करेंगे और बताएंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो मेल में आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपना पंजीकरण संख्या जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद जन्मतिथि लिखेंगे, उसके बाद आपके द्वारा जो सेलेक्ट किए गए शहर, जो आपका परीक्षा सिटी था, एग्जाम सिटी था, वो लिखेंगे, उसके बाद आवेदन स्वीकार होने का कारण, किस कारण से आपका आवेदन अस्वीकार हुआ है, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और यहाँ पे ये नोटिस है, आप इसको चेक कर लीजिएगा और यहीं आपके पास लास्ट मौका है। चलिए, इसके अलावा और भी कोई अपडेट आता है तो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी अपडेट आता है अगर SSC की तरफ से, मैं सबसे पहले इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बताऊँगा। तो ये नोटिस है और ये नोटिस डाउनलोड कर पाएंगे, alljobsfree.com से भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, तो ये जो नोटिस जारी किया गया है सेंट्रल रीजन का जारी किया गया है, बाकी रीजन का नहीं आया। तो अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं, CR से हैं, तभी आप ये करेंगे और बाकी लोगों का तो अभी आया ही नहीं एप्लीकेशन स्टेटस, तो कैसे पता चलेगा किसका फॉर्म रिजेक्ट है किसका एक्सेप्ट है। तो आप इसको एक बार सही से चेक कर लीजिएगा और यही बताया गया है, ऐसा नोटिस भी आकर के डाउनलोड करके लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर पाएंगे, alljobsfree.com पे भी देखने को मिल जाएगा। तो यही बताना था आपको, इस वीडियो का सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसके अलावा आपको मैंने कोई और सवाल होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सभी की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।